ही मेरी प्यारी बहन बाहर खड़ी है और लॉक लगाने के लिए जो मेरे सर का लड़का है वो आया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपना टाइम थोड़ा सा व्यतीत कर लें आपके साथ, क्योंकि आप ही तो हो जो हमें दिन रात सुबह शाम हमसे बातें करने के लिए रेडी रहते हो। रेडी रहते हो। तो ये मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये ना खुद में खुद वो कौन सा था, चाणक्य, चाणक्य की आग है। ओके आ गया। मेरी इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब है, हमारे घर चीज़ चिल्ली बनी है और बाहर से तंदूरी रोटी भी आ रही है, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि मम्मा ने मना किया कि तेरे दांत दुखने लग जाएंगे। और अभी मैं इतना रो के हटी हूँ कि मेरे को भी दो, तो मम्मी ने मेरे को बहुत सारी बातें सुनाई कि तू फिर दर्द से तड़पती है इसलिए नहीं मिलेगी, खिचड़ी बना देती हूँ तेरे लिए। खिचड़ी खाऊंगी मैं? फिर मैंने बोला मेरे को कुछ भी नहीं खाना, मैं भूखी सो जाऊंगी। और अब मेरे को भूख लगी है इतनी सारी, क्या खाऊं? इतना ज्यादा खिज के मर के रो के पिट के आखिरकार मैं खरबूजा खा ली। ये भी पापा लेके आए मेरे लिए, मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी वैसे और उसमें वो भी डाली थी सब्जी, मैंने खाई नहीं। मैंने सोचा यार मैं बहुत बदतमीज हूँ और मेरे को नींद भी नहीं आ रही, इतनी भूख लग रही है मेरे को। देन आई डिसाइडेड जस्ट किक द खिज, ईट दिस मेलन, टेस्टी हो। ऐसा अजीब टेस्ट वाला मेलन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। बट नॉट बैड, मिठा घर की याद आ गई। पता क्या, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मेरे पापा ना एकदम फूडी है, तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मेरे ग्लूकोज चढ़े थे और मैं और मेरे पापा मेडिसिन लेने गए थे। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बावजूद भी मेरे डैड ने मेरे को ऑफर किया छोले भटूरे और मैं पापा की पूरी डिटो कॉपी खाने में, तो मैंने बोला हाँ मैं खाऊंगी, कह रही चल। पापा ने मेरे को आलू वो भटूरे छोले खिलाए और खुद भी खाए, ठीक है। वो जब घर आई फिर उतार दी, फिर जब मैं घर आई तो मम्मी ने बोला हाँ जी क्या खा के आए हो तुम दोनों, मैंने बोला कुछ भी नहीं। तो ना अभी मैं जब गई उधर, जैसे मैं रूम से बाहर निकलती हूँ, रूम के अंदर जाती हूँ, फिर पूरे घर में चर्चे चल रही हैं उसकी सब्जी की, और इन्होंने सारा कुछ बाहर का माल मंगवाया था, कोल्ड ड्रिंक भी थी मुझे तो अभी पता लगा। तो जैसे मैं बाहर गई हिना बोल रही थी मेरे को तो बड़ा मज़ा आया सब्जी खा के, पापा बोले मुझे तो बड़ा मज़ा आया सब्जी खा के, बहुत स्वाद थी, बहुत ही ये थी। और मैंने खाए 3 खरबूजे, मीठे थे, और अभी मेरे पेट में कुछ ज़्यादा खा लिया मैंने, इसलिए मैं सैर कर रही हूँ रूम में। तो बस अभी सुबह मिलूंगी, एकदम से मेरे को ये बात याद आ गई थी तो मैंने सोचा चलो बता दूँ आपको। हाय, गुड मॉर्निंग, मुझको पता है आज मैं बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हूँ, क्लैपिंग। लेकिन अभी मैं ब्यूटीफुल बन जाऊँ, मैं चंपक कली मैं सबसे हंसी, मैं चंपक कली। लगा मेरा ट्रांजैक्शन चंपक कली, कुतियों की रानी से चंपक कली रानी, वाह वाह वाह। मुझसे जैसा ब्यूटीफुल तो इस दुनिया में कभी कोई जन्मा ही नहीं होगा। ज़्यादा हो गया ना। और एक मिनट मैं इसी चला लो, वो गर्मी लागन डही है मैंने। अब मेरे को आ रही है अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा, मुँह पे पड़ रही है, मज़ा आ रहा है। मैं लेके आई हूँ खरबूजा, क्योंकि सुबह भी मेरी मम्मा ने मेरे को खिचड़ी दी थी, मम्मा ने मेरे को ऑफर किया था रोटी, लेकिन मैं हीरोइन, मैंने बोला नहीं खाऊंगी मैं। वैसे सच में मम्मा ने अच्छा ही किया, मेरे को दी नहीं
क्योंकि मैंने ना रात को ना पनीर खा लिया था केक, तो उसको चबाया जब तो थोड़ा सा इधर चल गया तो फिर दर्द होने लग गया था, तो शुक्र है। इसलिए मेरी मम्मी को, मम्मी बोली मैं टिफिन में तेरे को एक रोटी, मैं कहा नहीं डाल ली, मेरे को जरूर खिचड़ी दो, ये चंपक चली को कली को उतार देती हूँ। वैसे मैं ये रास्ते से तोड़ के लेके आई हूँ, बहुत ज्यादा प्रीटी है, इसको ड्राई करके अपने राइजर में यूज करूंगी। तो मैंने इसका ये सेटअप बना दिया, और मैं एक और गिलास लेके आई हूँ, इसमें हम बनाएंगे अपना चटोरापन। मैं लेके आई हूँ, मेरे को ना यार रोटी खाने की, रोटी के साथ पहले मैं नींबू वाली बहुत पीती हूँ, अब भी पीती हूँ, पर अब नींबू बहुत ज्यादा महंगे हो गए ना इसलिए, तो मैं ये लेके आई हूँ सस्ता टैंक, बहुत स्वाद होता है ये, नींबू वाला ही मिल गया मेरे को। चलो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है, ये है अमीरो वाली चीनी, ठीक है, इसको बोलते हैं शुगर क्यूब्स, जो हमारे ऑफिस में पड़ी रहती है। अगर किसी को 1 रुपए की एक लेनी है तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट, यार कॉन्टैक्ट क्यों बोलती हूँ मैं, कॉन्टैक्ट, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले हम ऐसे काट लेंगे, क्योंकि हमारा एक ही हाथ सलामत है, मतलब इसको काटने टाइम इसे, और निंजा टेक्निक, अगर एक हाथ वाले भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो ऐसे करके भी आप इसे काट सकते हैं। मेरी बातों को ज्यादा सीरियस ना लिया जाए, नहीं गिरा, देखा टैलेंट मेरा। तो ये 5 रुपए का है, इसमें 2 टाइम का बन जाता है, वो देखना, पहले अभी पी के देखती हूँ, अगर थोड़ा सा कम लगा पानी तो और डाल लूंगी, ठीक है। अब मेरे घर का पानी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सारा कुछ तो उसमें पानी डाल, अब मिक्स, ये देखो ये बहुत जल्दी घुल जाती है। इसीलिए ये महंगी होती है, क्योंकि ये देखो ये कितनी जल्दी खुल खुड़ गई, कैसे दिखाऊं यार, एक हाथ में कैमरा है, ये देखो खुल गई ना, तो इसलिए ये थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। ये आती है मेरे ख्याल से 100 रुपए की आधा किलो, 100 रुपए की आधा किलो, और हमारी जो नॉर्मल वाली होती है 100 रुपए में 2 किलो आ जाती है, तो पता नहीं इसमें क्या होता है, शायद ये जल्दी घुल जाती है तो इतनी महंगी है। टेस्ट वाइज तो सेम ही है, बस अब इसमें पानी डालूंगी, ठंडा पानी मैं पी नहीं सकती, और वैसे भी मैं पीती नहीं हूँ ठंडा पानी, मेरे को अब ठंडा पानी पीने, मतलब गर्मियों में लोगों को राहत मिलती है ना ठंडा पानी पीने से, मेरे को वो राहत नहीं मिलती, मेरे को नॉर्मल पानी से मिलती, पहले मिलती थी अभी। नॉट बैड, बट ये मटेरियल थोड़ा सा कम है, तो मटेरियल हम थोड़ा सा और ज़्यादा डाल देंगे। जी हम पी रहे हैं अमीरो वाला, नॉट अमीरो, रॉयल, रॉयल। पर ये इतना ज्यादा टेस्ट नहीं है जितना इसका रस ने ऑरेंज वाला फ्लेवर टेस्ट किया, तो लगता ही नहीं है नींबू है, शायद वो बड़ा पैकेट था यार, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, शायद इस पर लिखा हुआ है कि ये अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या गूगल में देख। चलो बस 2 पैकेट लेके आई थी, अभी मैं खरबूजा खा लूँ, काम भी कर लूँ। मैंने आपको बताया था ना कि वो सुइयों के साथ मेरा स्कैम हो गया था, आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग, तो अभी मेरे को ऑफिस में एक घड़ी मिली है जिसकी जो टूटी हुई थी ऊपर पड़ी थी, मैं एकदम से देखा उसकी सुइयां ऐसे से पड़ी थी, मैंने फटाफट उतार ली, और अभी मैं अपनी राइजर वॉच पर लगाऊंगी। नाइस आइडिया ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज़।
और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो मत करना। एनीवेज बाय।